नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड एक बहुत ही गुड न्यूज निकल के सामने आ रहा है। क्या है न्यूज, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग जो कि 3 मई को होने वाला है, यहाँ पर कंपनी जो है अपना Q4 का रिजल्ट को अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ अगर कुछ डिविडेंड है इसको भी दोस्तों डिक्लेयर करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट है चौथा नंबर पॉइंट, टू कंसिडर ए प्रपोजल फॉर सब डिविजन ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो है स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। कंपनी के लिहाज से, शेयर होल्डर के लिहाज से दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर स्टॉक स्प्लिट देते हैं तो एक बहुत फायदा हो सकता है, बहुत जबरदस्त फायदा अपने शेयर होल्डर के लिए ये साबित हो सकता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी के ऊपर, कंपनी पिछले कई दिनों से यहाँ पर जबरदस्त तेजी बनी हुई थी, बट अगर एक हफ्ते की बात करेंगे, पिछले एक महीने से एक कंसोलिडेशन दायरे में कंपनी चलते हुए नजर आएगा। देखिए एक हफ्ते का रिटर्न कितना है, नेगेटिव रिटर्न 3% की, बट अगर मैं 3 साल की बात करूं, ये देखिए 147% का रिटर्न कंपनी बना के दे चुका है। एक साल में देखिए 50% निकल इसका जो है रिटर्न यहाँ से निकल के आया है। बट अगर हम टोटल सेगमेंट की बात करेंगे, टाटा स्टील जो है जिस सेगमेंट में काम करता है दोस्तों, स्टील सेगमेंट में इसमें जबरदस्त री रेटिंग हुआ है और आने वाले समय में और भी तेजी इस मेटल सेगमेंट में बनने की यहाँ पर आसार तो दिख सकता है या दिख रहा है। ऐसे में अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इसमें निवेशित रहिए फॉर दी लॉन्ग टर्म। लंबे समय में ये कंपनी जो है बहुत बड़ा रिटर्न भी आपको बना के दे सकता है। अभी देखिए कंपनी ₹1319 में ट्रेड कर रहा है और 1534 इसका 52 वीक हाई है। जस्ट 200-250 रुपया इसका नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। आने वाले समय में जरूर ये कंपनी अपना 52 वीक हाई को क्रॉस करके आगे निकल सकता है। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको बताऊं, FII मार्च क्वार्टर में इसमें अपना हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। FII होल्डिंग को हम देखेंगे, ये देखिए दिसंबर क्वार्टर में इनका 21.36% की होल्डिंग था, मार्च में देखिए इनका होल्डिंग बढ़ के 22.74% हो गया है। यहाँ पर जबरदस्त खरीदारी करते हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है दिख रहे हैं। बाकी अगर प्रमोटर की बात करेंगे, प्रमोटर के पास 33.92% की होल्डिंग है और इनका छोटा सा शेयर जो है होल्डिंग 1.55% जो है ये आपको प्लेस होते हुए नजर आएगा। नॉमिनल सा होल्डिंग है, ये कभी भी इसको अनप्लेस कर सकते हैं। नंबर्स इसका बढ़िया चल रहा है। क्वार्टरली अगर इसका परफॉर्मेंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक स्टेडी ग्रोथ मेंटेन करते हुए कंपनी जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 2021 में थोड़ा सा गिर गया था, 9,415 करोड़ यहाँ पर आया है, बट अगर सितंबर में हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी दर्ज किया है 12,362 करोड़ का। कंपनी सही है, आने वाले समय में भी दोस्तों एक बढ़िया आपको रिटर्न बना के दे सकता है। बाकी कंप्लीट डिसीजन कंपनी को लेकर तो आपके खुद का ही रहने वाला है। बस आज के लिए इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।